हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग सीए फाउंडेशन मैथ्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इक्वेशंस। इक्वेशन क्या होता है? हम बोले सर, जो भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट इक्वेलिटी को शो करता है उसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। जैसे हम बोले सर, मान लीजिए 2x + 5 = 7, क्या ये एक इक्वेशन है? हाँ, क्योंकि सर ये इक्वालिटी को शो कर रहा कि सर ये इसके बराबर है, इक्वालिटी में है। तो बोले सर इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इक्वेशन। कि सर मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी इज कॉल्ड इक्वेशन। उसके बाद सेकेंड बात हम क्या बताना चाहते हैं कि हम बोले सर, जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाइज एन इक्वेशन इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और द रूट ऑफ द इक्वेशन। बोल रहा है अगर वेरिएबल का वैल्यू डालने से इक्वेशन सोल्यूशन के बराबर आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कि सर सोल्यूशन या रूट ऑफ द इक्वेशन। जैसे ये एक इक्वेशन है, वेरिएबल कौन है? एक्स। एक्स इज वेरिएबल। हम बोले सर इस वेरिएबल का ऐसा कुछ वैल्यू डालिए जो कि इसके बराबर हो जाए। तो आप क्या बोलिएगा? सर एक्स का वैल्यू 1 डाल दीजिए तो 2 × 1 = 2 + 5 = क्या आ जाएगा? 7। तो हम बोले सर जो 1 वैल्यू है वेरिएबल का वो डालने से सॉल्यूशन के बराबर हो जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, मतलब वेरिएबल का जो वैल्यू विच सेटिस्फाई एन इक्वेशन, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब दोनों साइड को एलएचएस और आरएचएस को बराबर कर दे, इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। उसी को बोलते हैं कि सर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है, और उसी को बोलते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन। तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोई हमसे पूछे कि सर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो हमने सर एक्स का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए तो वो वेरिएबल का जो वैल्यू होगा वो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशंस को, और उसी को बोला जाएगा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या रूट ऑफ द इक्वेशन। उसके बाद आते हैं कि सर कितने तरह के इक्वेशंस होते हैं। हम बोले मेनली हम लोग 3 तरह के जानते हैं। जैसे एक होता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं? जिसमें वेरिएबल का जो इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 हो, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल ax + b = 0, क्या ये एक इक्वेशन है? जी हाँ, क्योंकि सर मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी शो करता है तो ये एक इक्वेशन है। तो ये किस तरह का इक्वेशन है? हम बोले सर ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का मतलब जिसमें वेरिएबल कौन है? एक्स। हम बोले सर जिसमें वेरिएबल जो है उसका मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, उससे अधिक का पावर नहीं होना चाहिए। तो हम बोले सर एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं है, मतलब 1 का पावर तो है ही है, तो ये कौन सा इक्वेशन बन गया? लीनियर इक्वेशन। तो सर ए और बी क्या है? वो कांस्टेंट है। कि सर एक्स अगर वेरिएबल है तो ए और बी क्या है? कांस्टेंट है वो। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? जिस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो, उससे अधिक ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल ax² + bx + c। तो इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन है? x, और बाकी a b c क्या है? वो कांस्टेंट है। तो हम बोले सर ये जो x है उसका मैक्सिमम पावर कितना है? 2। तो क्योंकि इस इक्वेशन में वेरिएबल जो है वो x है और उसका पावर मैक्सिमम 2 दिया है, तो वो क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और तीसरा है सर क्यूबिक इक्वेशन। तो जाहिर सा बात है नाम बता रहा है कि सर क्यूबिक में क्या होता होगा, जिस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 होगा उसको बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। जैसे देखिए ax³ + bx² + cx + d = 0। तो हम बोले सर जो एक्स है उसका मैक्सिमम पावर कितना है? 3। तो ये क्या बन गया? क्यूबिक इक्वेशन। बाकी ए बी सी डी वो क्या है? सर वो कॉन्स्टेंट है। बात समझ रहे आप मेरा? तो ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन के ऊपर थोड़ा सा बात, जिसमें ये जानने की कोशिश किए कि सर इक्वेशन क्या होता है, कितने तरह का होता है, लीनियर किसको बोलते हैं, क्वाड्रेटिक का पहचान क्या है और क्यूबिक का पहचान क्या है। तो लीनियर जिसमें वेरिएबल का पावर 1 से ज्यादा नहीं हो उसको लीनियर, क्वाड्रेटिक का पहचान जिसमें वेरिएबल का पावर 2 से अधिक ना हो और 2 से कम भी ना हो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, और क्यूबिक का पहचान जो पावर है वेरिएबल का वो 3 से अधिक ना हो उसको बोलते हैं हम लोग क्यूबिक। तो ये हो गया हम लोग का कुछ बात जिसको आप लिख लेंगे, फिर हम लोग अपना इक्वेशन में आएंगे।
तो जाहिर सा बात है पहले क्या समझाएंगे हम लोग, जो चैप्टर्स मिलेंगे वो किसके ऊपर मिलेंगे, लीनियर पे, फिर क्वाड्रेटिक पे मिलेंगे और फिर हम लोग क्यूबिक पे पढ़ना होगा। लिखिए, आइए कुछ बेसिक बात करते हैं। हालांकि मैक्सिमम लोगों को ये सब चीज आता है, लेकिन फिर भी हम बात करना चाहते हैं, इसलिए सुनना पड़ेगा आपको। उपाय क्या है, जैसे कुछ बेसिक रूल है जो हम लोग क्लास 4, 5, 6 में ये सब बात सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा हो कि जो इस रूल को भूल गया हो, क्योंकि ये रूल अगर आप भूल जाएंगे तो इक्वेशन में आपको बहुत तकलीफ होगा, फिर आपको लगेगा कि सर मैथ एक जादू की तरह है, जबकि जादू कुछ होता ही नहीं है। आपको आता है तो फिर आपको ठीक लगेगा, और नहीं आता है तो फिर वो आपके लिए क्या बन जाता है, जादू। तो हम बोले सर कुछ रूल लिखे, हर क्लास में कुछ ना कुछ बात करते हैं तो इसलिए रूल भी लिखे। जैसे अगर दो नंबर माइनस में हो और अगर आप उसको मल्टीप्लाई करिएगा तो मल्टीप्लाई करने से दोनों माइनस कट जाएगा और आंसर प्लस में आएगा। वही बात हम यहां लिखे भी हैं, आप ध्यान से देखिए कि अगर हम लोग दो नंबर लेते हैं, ये नंबर भी माइनस में और ये नंबर भी माइनस में, और दो माइनस नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो पॉजिटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल -4 × -2, तो सर मल्टीप्लाई किए हैं -4 और -2 को, दोनों माइनस नंबर है तो मल्टीप्लाई करने से 4 × क्या हो गया, 2, 8, क्योंकि दोनों माइनस में है तो मल्टीप्लाई करने से ये माइनस और ये माइनस कट जाता है और जो रिजल्ट आता है वो पॉजिटिव आता है। सेकेंड, अगर एक नंबर माइनस में हो और दूसरा नंबर प्लस में हो और तब मल्टीप्लाई करना पड़े उन दो नंबर्स को, तो जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में ही आएगा, क्योंकि सर माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा माइनस होगा। जैसे -4 × 3, तो आप देखिए एक नंबर माइनस में है एक नंबर प्लस में है, तो 4 और 3 को मल्टीप्लाई किए 12। सवाल उठता है साइन किस चीज का लगाएंगे, मैं सर क्योंकि एक नंबर माइनस में है और एक नंबर प्लस में है तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या लिखा जाएगा, माइनस में लिखा जाएगा। यहां तक बात समझते हैं कि सर दो रूल तो बहुत क्लियर है कि -×-, द रिजल्ट इज प्लस, -×+, हम बोले सर द रिजल्ट इज माइनस। थर्ड नंबर, इफ वी एड टू माइनस नंबर इट विल बी प्लस विथ नेगेटिव साइन। मतलब हम बोले सर दो माइनस वाले नंबर को अगर आप जोड़ना चाहिएगा तो जोड़ने से तो वो जुटेगा लेकिन उनका साइन किसमें रहेगा, नेगेटिव। नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल लेते हैं। हम बोले सर -4 − 2 क्या होगा, -4 में से -2 कीजिए क्या होगा, हम बोले सर -± + होता है तो -4 में से -2 करेंगे तो क्या बन जाएगा वो 6, -± + होता है। वही लिखे, इफ वी एड टू माइनसेस, अगर आप दो माइनसेस को जोड़िएगा तो सर वो जुड़ेगा लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। तो देखिए -4 − 2, दो माइनस प्लस होता है तो 4 और 2 कितना हो गया, 6, विथ नेगेटिव साइन। सर क्योंकि दोनों में माइनस था तो यहां भी माइनस रहेगा, बात ठीक। उसी के नंबर 4 कि सर मान लीजिए एक नंबर माइनस हो और एक नंबर प्लस हो तब क्या होगा, बोले अगर एक नंबर माइनस होगा और एक नंबर प्लस का होगा तो जो रिजल्ट आएगा वो माइनस करके आएगा लेकिन उसका साइन कौन सा लेंगे, प्लस का या माइनस का, वो डिपेंड करता है कि जो नंबर ग्रेटर होगा साइन भी उसी का होगा। क्या बोले हम, बोले सर अगर एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है तो उन दोनों को जोड़ने से माइनस होगा, प्लस नहीं होगा। अगर हम ये बोले कि सर -5 और +9 कीजिए तो इसका मतलब ये नहीं कि -5 में 9 जोड़ देंगे और यहां 14 लिख देंगे, माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है लेकिन इस माइनस में कि सर -4 और +9 को माइनस करने से 4 आया, साइन किस चीज का लगेगा, हम बोले सर इन दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है, 9, तो सर 9 का साइन प्लस में था तो प्लस लगेगा। लेकिन सपोज कीजिए सर अगर माइनस का साइन बड़ा होता तो फिर यहां माइनस लग जाता। एग्जांपल नंबर 2 देखिए, दो नंबर है एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में, तो क्या होगा, हम बोले सर एक नंबर नेगेटिव हो और एक नंबर पॉजिटिव हो तो उनको जोड़ने से माइनस होगा तो माइनस हुआ, -8 + 3 तो सर माइनस क्या बचा, 5, साइन किसका लगेगा, हम बोले सर इन दोनों में कौन बड़ा है, हम बोले 8, 8 के साथ क्या पावर था, माइनस का साइन था सर तो आपका यहां माइनस लगेगा। समझ रहे हैं मेरा बात कि सर साइन डिसाइड कैसे होता है, जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन लगाया जाता है, जो नंबर छोटा होता है वो एडजस्ट कर लेता है, ठीक। तो
तो चार बार सीख लिए कि माइनस इंटू माइनस साइन प्लस बन जाता है, प्लस इंटू माइनस साइन माइनस का बन जाता है। उसके बाद अगर आप दो माइनस को जोड़िएगा तो जुड़ेगा लेकिन साइन माइनस का रहेगा, लेकिन अगर आप एक माइनस एक प्लस को जोड़िएगा तो सर प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन साइन किसका आएगा? हम बोले सर जो ग्रेटर होगा, अगर प्लस का नंबर ग्रेटर होगा तो साइन प्लस का लिखेंगे, और अगर साइन माइनस वाले का ग्रेटर नंबर अगर माइनस वाले का ग्रेटर होगा तो फिर माइनस लगाएंगे। उसी के साथ बात करते हैं एक लास्ट प्रॉपर्टी के लिए कि सर आप किसी भी नंबर का साइड बदल देते हैं, मतलब कोई नंबर आरएचएस में लिखा हुआ है अगर आप उसको उठा के एलएचएस में लाइएगा तो साइड के बदलने से, किसी भी नंबर के साइड के बदलने से उसका साइन भी चेंज हो जाता है। मतलब अगर कोई चीज प्लस में है और आप उसको उसके उल्टे साइड में लिख दीजिएगा, उसका साइड बदल दीजिएगा, एलएचएस से आरएचएस में ले जाइए या आरएचएस से एलएचएस में ले आइए, साइड के बदलने से उनका जो साइन होता है वो भी चेंज होता है। जैसे एग्जांपल देखें, 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। तो हम बोले सर अगर हम इस 5 को उधर ले जाएं तो क्या होगा? हम बोले देखो 5 प्लस में है, अगर तुम उसको उधर ले जाएगा तो 5 उधर जाते ही अपना साइन चेंज कर लेगा, प्लस क्या बन जाएगा? माइनस। तो बोल सकते हैं 4x इज इक्वल टू 2। एक और एग्जांपल देखो, लिखा है 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 8x। तो बोले सर अगर हम x वाले नंबर को उधर ले जाए तो यहां क्या बचेगा? 5। तो सर ये नंबर जब उधर जाएगा तो इस साइड में LHS साइड में वो क्या है? माइनस 2x। उधर जाते ही क्या बन जाएगा? सर प्लस 2x। आई होप कि आप इस पांच बात को समझ गए कि सर ये रूल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इक्वेशंस में इनका बहुत यूज आएगा। तो अगर आपको प्लस माइनस ही तंग कर देगा तो फिर सॉल्यूशन कैसे बनाइएगा? इक्वेशन का बात भी कर ली कि सर जब भी कोई नंबर अपना साइड चेंज करता है उसका साइन भी चेंज हो जाता है। अगर वो प्लस में था, साइड चेंज करने के बाद वो माइनस बन जाएगा, अगर वो माइनस में था, साइड चेंज करने के बाद वो क्या बन जाएगा? प्लस में बन जाएगा। बात ठीक। चलिए अब आते हैं हम लोग इक्वेशन में। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 53। ये कौन सा इक्वेशन है? लीनियर, क्योंकि सर x का मैक्सिमम पावर 1 है। आपको बोल रहा है x का वैल्यू बताइए, ध्यान दीजिएगा। दो तरीका हो सकता है, एक हो सकता है सर आपका लॉन्ग मेथड जिसको आप बोल सकते हैं, और एक हो सकता है शॉर्ट मेथड। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लॉन्ग बोला जाता है वही शॉर्ट पड़ता है, और जिसको शॉर्ट बोलते हैं वो लॉन्ग हो जाता है। तो वो आपका प्रैक्टिस से आपको आइडिया हो जाएगा सर इससे बनाना चाहिए, इससे बनाना चाहिए। आपको जो अच्छा लगे आप उससे बनाइए। अगर हमसे कोई बोले इसको बनाओ तो हम क्या बोलेंगे? सर 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 53। हमको x का वैल्यू निकालना है तो सर 7 का साइड चेंज कर दीजिए, 7 को उधर भेज दीजिए। तो जैसे हम साइड चेंज करेंगे तो प्लस 7 क्या बन जाएगा? माइनस 7। तो ये कितना हो जाएगा? 46। एक प्लस है एक माइनस है तो सर माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन किसका लगेगा? जो ग्रेटर है। हम बोले सर 53 ग्रेटर है इसलिए प्लस का साइन में। अब x का वैल्यू निकालिए तो हम बोले सर x का जब वैल्यू निकालेंगे तो उसके साथ जो 2 चिपका हुआ है वो जब उधर जाएगा तो वो साइन नहीं चेंज करेगा, वो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि सर आप उसको उधर ऊपर नहीं भेज रहे, वो डिवाइड में आ रहा है। तो ये कट जाएगा कितने बार में? तो x का वैल्यू कितना आया? 23। ठीक। एक शॉर्टकट मेथड भी होता है। ये मेथड क्या बोलता है? ये मेथड बोलता है कि भाई इतना परेशान क्यों हो रहे हो, क्या पता बच्चा 7 को उधर ले जाए, अब उसको साइन चेंज करने का पता ही ना हो, वो तो गलती कर देगा। तो शॉर्टकट मेथड बोलता है आंसर तो इन्हीं में से कोई है, x का वैल्यू इन्हीं में से कोई है। तो एक काम करो, तुम पहले x का वैल्यू 22 पुट करो, फिर 25 पुट करो, फिर 29 पुट करो। अगर 22 पुट करने से ये दोनों इसके बराबर आ जाएगा तो वही आंसर हो जाएगा, नहीं आया तो फिर अगले ऑप्शन में चलना। हम बोले ठीक, पहले ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। हम बोले सर x का वैल्यू 22 पुट कीजिए, तो 2 इंटू 22 प्लस 7 ये कितना हो गया? 44 प्लस 7 ये आया 51, जबकि आना चाहिए था 53। तो हम बोले सर ये तो गलत है, ये तो नहीं है आंसर। हम बोले ठीक है, ऑप्शन बी टिक करिए 25। तो हम बोले सर 2
टू इंटू 25 प्लस 7 50 प्लस 7 57। सर ये भी नहीं है क्योंकि आना चाहिए 53, तो ऑप्शन नंबर सी में चले गए सर, 2 इंटू 29 प्लस 7, तो ये हो गया सर 58 प्लस 7 65, आना चाहिए था 53 सर, ये भी नहीं है, तो लास्ट में क्या बचा, नन, तो सर आंसर है ये। इसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। हालांकि आपको लग रहा होगा सर ये कैसा शॉर्टकट है, इसमें अधिक टाइम लग गया, इतना देर में तुम इसको बना लेते। एक्चुअली इन सब क्वेश्चंस में आपको हो सकता है तकलीफ हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर हम लोग सीधा हिट करते हैं कि ऑप्शन उठाते हैं और एक्स का एक्स की जगह पुट करते हैं, तो हम लोग आंसर बहुत जल्दी मिल जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, आपको जैसा इच्छा हो वैसा बनाइए, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो ये था एक एग्जांपल कि सर लॉन्ग से बना सकते हैं, शॉर्ट से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है। आप इस बात को भी लिख लीजिए, और अगर आपको ये लिखना चाहते हैं तो आप लिखिए, और आपको लगता है कि नहीं सर हमको ये आता है तो स्किप कीजिए, इस बात लिखिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग स्टडी मैट से। क्वेश्चन एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज ए। क्वेश्चन नंबर 1, द इक्वेशन -7x+1 = 5 - 3x विल बी सेटिस्फाइड फॉर एक्स इक्वल टू, आपको एक्स का वैल्यू बताना है। क्या है क्वेश्चन सर? क्वेश्चन में एक इक्वेशन दिया हुआ है 7x+1 = 5 - 3x। तो सर लॉन्ग मेथड से ही बना सकते हैं, शॉर्ट से ही बना सकते हैं। अगर लॉन्ग मेथड से बनाएंगे तो हमको एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए एक्स वाले नंबर को एक साइड ले आएंगे और जो बिना एक्स का नंबर है उसको दूसरे साइड में ले जाएंगे। हम बोले ठीक है, ध्यान देना, हम बोले सर -7x इस वाले एक्स को इधर ले आइए, तो ये माइनस है इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस इज इक्वल टू 5, अपना वहीं पे खड़ा है, ये प्लस 1 है उस साइड भेज दीजिए तो -1, ये कितना बन जाएगा सर, प्लस माइनस माइनस होगा, किसके साइन के साथ, क्योंकि सर नेगेटिव का साइन अधिक है तो उसका साइन लगा दीजिए, तो हमें सर ये बचेगा 4x, क्योंकि 3 और -7 तो सर प्लस माइनस माइनस करना है, तो 7 में 3 घटा कितना हो जाएगा 4x, साइन किसका लगाएंगे विथ ग्रेटर नंबर, हमने सर ग्रेटर नंबर 7 था उसमें जो साइन है वही लगा रहेगा, इज इक्वल टू ये कितना आएगा, हमने सर ये आएगा 4, तो सर x का वैल्यू बताइए 4 / -4, ये तो कट गया एक बार में, x का वैल्यू कितना आएगा -1, देखिए आंसर ऑप्शन नंबर बी। शॉर्टकट मेथड से अगर इसको बनाते हैं, सर इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग शॉर्टकट से बनाते हैं, हम बोले ठीक है, तो पहले हम बोलते सर 7x + 1 = 5 - 3x, पहला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है 2, तो 2 का वैल्यू पुट कीजिए, तो सर -7 × 2 + 1 = 5 × 2, तो ये कितना आता -14 + 1, ये आता 5 - 6, तो ये कितना आया -13, ये कितना आया -1, क्या ये बराबर आया, नहीं, तो सर ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी, तो सर ऑप्शन नंबर बी कितना है, ऑप्शन नंबर बी है -1, तो सर -7 × -1, -×- क्या हो जाएगा प्लस, और +1 = 5 - -1, ओके, तो सर -× - +1, और सर -3 × -1 सर +1, सॉरी +3, 8 = 8, तो ऑप्शन बी में देखिए तो फिर बराबर हो गया, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। तो दोनों में से जो भी चॉइस आपका हो आप ले सकते हैं। आपको लग रहा होगा सर यहां पे टफ, ये तो ज्यादा टाइम बर्बाद कर रहा है, ये सिंपल था, हम बोले कुछ इक्वेशंस ऐसे आएंगे जहां पे आपको ये सॉल्व करने में बहुत तकलीफ होगा, तो वहां पे आपको ये वाले इक्वेशंस ज्यादा आसान लगेंगे। लिखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बोल रहा है द रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब आपको एक्स का वैल्यू निकालने बोल रहा है, x + 4 / 4 + x - 5 / 3 = 11, तो अब आपको लग रहा है कि सर ये इक्वेशन तो टिपिकल है, अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे लॉन्ग मेथड से तो कैसे करेंगे सर, पहले तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 4 और 3 का, कितना आएगा 12,
ये थ्री इससे मल्टीप्लाई होगा और ये फोर इससे मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 11। मल्टीप्लाई करो 3x प्लस 12 प्लस 4x माइनस 20 प्लस 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई किए 20 प्लस माइनस माइनस डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 11। तो 3x प्लस 4x कितना बन गया 7x। एक जात का लोग जुड़ जाता है तो यहां भी प्लस ये भी प्लस जुड़ गया प्लस 12 माइनस 20 तो प्लस माइनस माइनस होगा। तो सर 12 में से 20 घटाइए 8 साइन किसका लगेगा जो नंबर बड़ा है नंबर है 20 बड़ा। क्या ये 12 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। अब एक जात का लोग एक साइन तो सर 8 को उधर भेज देंगे तो 12 इंटू 11 कितना आएगा 132 और ये माइनस उधर गया क्या बन गया प्लस तो एक्स का वैल्यू 140/7 कितना आएगा 20। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है जी ऑप्शन नंबर ए। अगर हम इसी को शॉर्टकट में बनाते तो हम बोलते सर आप इतना मेहनत क्यों किए ऑप्शन नंबर ए लीजिए ऑप्शन नंबर ए कितना है 20। तो क्वेश्चन में क्या था x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 बराबर में कितना आएगा 11। तो बोले सर x का वैल्यू 20 पुट कीजिए ऑप्शन ए। तो बोले सर 20 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 और 20 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 तो ये 24 डिवाइडेड बाय 4 कितना आता 6। 20 माइनस 5 15 डिवाइडेड बाय 3 5 कितना आया 11। तो क्या वो मेरे आरएचएस के बराबर है हाँ तो सर यही आंसर है। तो आपको लग रहा होगा हाँ सर इससे बेहतर तो फिर शॉर्टकट है। तो हम बोले तो आप प्रैक्टिस से पकड़ लेंगे कि सर कौन सा मेथड से बनाना ज्यादा सुटेबल होगा। कुछ जगह आपको लॉन्ग कट इजी लगेगा कुछ जगह लगेगा कि हाँ सर इस माथा में इस झमेला में कौन पड़े हम अगर मेरा एलसीएम गलती हो गया मल्टीप्लाई गलती हो गया प्लस माइनस गलती हो गया तो झमेला हो जाएगा। तो उससे तो बहुत बेटर है कि हम शॉर्टकट यूज कर ले हमले बिल्कुल लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है पिकअप द करेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। क्या लिखा है एक्स डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5। अगर आप हमसे पूछिएगा तो इसमें शॉर्टकट लगाने से कहीं बेहतर है कि आप लॉन्ग कट से सॉल्व कीजिए। क्यों क्योंकि सर ये तो कट जाएगा 15 के टेबल में दो बार में और ये 15 के टेबल में 3 टाइम्स में। तो हमने सर इस 2 को इधर भेज दीजिए एक्स का वैल्यू आ गया 4/3। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है सर सी। क्या 4/3 को हम लिख सकते हैं 1 होल नंबर 1/2 हम ले हा तो सर यही आंसर दिया हुआ है यही है आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर है सी। क्या इसमें शॉर्टकट लाए फायदा होता नहीं पहले आप 1 पुट करते फिर 2 पुट करते फायदा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4 आओ देखें क्या लिखा है। लिखा है द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स प्लस 24 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स बाय 4। क्या इसको सॉल्व करने से फायदा है या ऑप्शन से सर ऑप्शन लीजिए ज्यादा फायदा होगा। तो आइए ऑप्शन नंबर ए एक्स का वैल्यू 6 तो सर 6 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 6 बाय 4। तो ये सॉल्व करिए कितना आएगा सर इसको अगर सॉल्व करेंगे 30 में 6 आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो सर ये 6 नहीं आएगा। क्यों क्योंकि सर इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो 1.5 आएगा तो क्या ये इक्वल हो रहा है नहीं तो सर ये आंसर तो नहीं है। तो फिर ऑप्शन बी में चलिए ऑप्शन बी कितना दिया हुआ है 10 तो मतलब सर 10 पुट कीजिए तो 10 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 10 बाय 4 तो सर 34 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6.8। ये कितना आएगा 4 प्लस 2.5 क्या ये बराबर हो रहा है नहीं ये भी बराबर नहीं हो रहा है सर तो ये भी आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी कितना है 16। आपको ऐसा लग रहा टाइम लगता है सब कुछ कैलकुलेटर पे कर लेते हैं हम लोग कि सर लिखना थोड़ी पड़ता है कैलकुलेटर पे देख लेते हैं उसके बाद 16 तो सर 16 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 5 4 प्लस 16 बाय 4 ये कितना आएगा 40 डिवाइड बाय 5 8 इज इक्वल टू 4 और ये भी कितना आएगा 4 तो सर ये भी 8। ऑप्शन नंबर सी
सर 16 इज योर आंसर, तो आप चेक कर लिए। अदरवाइज आप लॉन्ग से बनाते तो सर फिर आपको एलसीएम लेना पड़ता, फिर सॉल्व फॉर एक्स करना पड़ता, तो टाइम लगता। और जब हम लोग इस तरह से सॉल्व करते लॉन्ग कट से, तो बहुत सारे स्टूडेंट का प्लस माइनस मल्टीप्लाई एलसीएम इन सब में गलती हो सकता है। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस बार बोल रहा है बताइए इनमें से कौन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन 8 आएगा। तो क्या करेंगे, हर जगह 8 का x के जगह 8 का वैल्यू डालेंगे, जहां पे LHS RHS बराबर आ जाएगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो सर सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 11। तो x के जगह 8 लिखना है हमको, तो सर 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 और 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा सर 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा 3, प्लस ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3 1 कितना आया 4, क्या वो 11 के बराबर आएगा, नहीं, तो सर ये आंसर तो नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी, x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 8, तो 8 का वैल्यू पुट करेंगे तो सर 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 9 ये कितना हो जाएगा 6, 12 डिवाइडेड बाय 2 6 और इधर 18 डिवाइडेड बाय 9 2 कितना आया 8, तो सर मेरा LHS में 8 है, RHS भी कितना है 8, तो क्या ये मैच कर गया, हां, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। लिखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पढ़िए, वैल्यू ऑफ y, आपको y का वैल्यू बताना है। इक्वेशन देखिए किस तरह का है, y प्लस 11 डिवाइडेड बाय 6 माइनस y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू y प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4। तो देखिए फिर से आगे झमेला, अगर आप इसको लॉन्ग से बनाइएगा तो सर एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा, बहुत सारा काम करना पड़ेगा, उससे कहीं बेहतर है सर ऑप्शन ले लीजिए। तो पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, कितना है माइनस 1, तो सर इसके जगह वाई के जगह माइनस 1 लिखिए, तो माइनस 1 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 6 माइनस माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 10 बाय 6, ये कितना हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा 6 बाय 4, तो क्या ये दोनों बराबर है, हम बोले सर ये तो डिवाइड करना पड़ेगा कैलकुलेटर से, बोले हां देख लो करके, तो सर ये तो आएगा 1.5, क्या 10 को डिवाइड करें 6 से कितना आया 1.66, तो सर ये तो इक्वल नहीं आया, तो ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी क्या है, 7, तो 7 पुट करेंगे तो सर 7 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 7 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा 3, कि सर 18 डिवाइडेड बाय 6 8 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 14 बाय 4, तो अगर हम लोग उसको डिवाइड करेंगे तो सर 3 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 9 कितना आएगा 0.89 और 14 डिवाइडेड बाय 4 दिस विल कम 3.5, तो सर ये भी इक्वल नहीं आएगा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी में चले जाइए, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कितना है पढ़िए सर 1, वाई के जगह 1 पुट कीजिए, तो बोले आओ 1 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 प्लस सॉरी माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4, तो सर ये तो आ जाएगा 2 माइनस 2 बाय 9 इज इक्वल टू 2, तो सर ये भी आंसर नहीं हो सकता है। तो अल्टीमेटली ए बी सी आंसर नहीं है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दिस विल बी योर आंसर। किसी को लग सकता है कि सर ये तो बहुत टाइम लगेगा, हम तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल अगर आप लॉन्ग मेथड सॉल्व करना चाहे तो आइए आपको दिखाएं कि जो लोग लॉन्ग मेथड से बनाता वो कैसे बनाता।
आइए देखिए लॉन्ग मेथड से ही बना करके आपका इच्छा पूरा करें। आइए लॉन्ग मेथड से, मतलब सर सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो नाइन और सिक्स का क्या एलसीएम लेते हैं, सर 54 ले लीजिए, तो नाइन इससे मल्टीप्लाई हो जाता और सिक्स इससे मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक, तो ये क्या हो जाता है 9y + 99 - 6y, मल्टीप्लाई कर रहे माइनस प्लस माइनस 6y + 7 / 4। हमने सर इस 4 का 2 के टेबल से और इसका भी 2 के टेबल से काट सकते हैं, काट दो, तो 9y - 6y कितना बचेगा 3y, और 99 में 6 गया 93 = y + 7 / 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2 इससे मल्टीप्लाई, ये 27 इससे मल्टीप्लाई, तो सर मल्टीप्लाई कीजिए 2 × 3y - 93 = 27y + 7, तो ये कितना हो जाएगा 6y, ये y का साइन है, और ये कितना हो जाएगा 189। तो सर y एक साइड ले आइए और x और नंबर को एक साइड ले आइए, तो ये वाला नंबर इधर ले आइए तो -186, और ये इधर आएगा तो -189, 27y इधर गया माइनस में 6y, तो ये हो गया 21y, और ये कितना हो जाएगा, दोनों नंबर माइनस में है तो प्लस करेंगे, साइन किसका रहेगा माइनस का, तो 9 और 6 = 15, 8 = 16 और 1 = 17, 375, तो बोले सर y का वैल्यू 375 / 21। आइए सॉल्व करके देखे कितना आता है, आइए इसको सॉल्व करके जो ऑप्शन डी है वो तो नहीं आ रहा है, माइनस में 375 / 21 आ रहा है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 चले, क्या लिखा है पढ़िए, सॉल्यूशन ऑफ एक इक्वेशन दिया हुआ है p + 2 × p - 3 + p + 3 × p - 4 = 2 (2p - 5), तो सर ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शन हिट करना ज्यादा सुटेबल है कि लॉन्ग मेथड सॉल्व करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक, चलिए p का वैल्यू पुट करें, पहला ऑप्शन है 6, तो 6 का वैल्यू पुट करेंगे तो 6 - 3 है, तो सर ये तो हो जाएगा फिर 3 + 6 + 3 (9, 6 - 4, 2) = 6, 2 × 6 = 12 - 5, ये कितना आएगा सॉल्व करके 24 + 18, और ये कितना आएगा 6 × 7, तो सर ये भी 42 और ये भी 42, क्योंकि दोनों बराबर आ गया है, तो ऑप्शन ए हम लोग का आंसर है। सॉल्व करने जाते लॉन्ग मेथड से बहुत टाइम लगता है और हो सकता है कई बच्चों को गलती हो जाता है, लिखिए क्वेश्चन नंबर 8, लिखा है 12x + 1 / 4 = 15x - 1 / 5 + 2x - 5 / 3x - 1, तो क्या इसको सॉल्व करेंगे या शॉर्टकट से बनाएंगे, शॉर्टकट से सर ऑप्शन हिट करेंगे, पहला ऑप्शन क्या है ए, ऑप्शन ए में है सर x का वैल्यू 1, कि सर x का वैल्यू कितना पुट कीजिए 1, तो बोले आओ तो 12 × 1 = 12 + 1, तो 13/4, यहां भी पुट कीजिए सर 15 - 1 = 14/5, 1 का वैल्यू पुट कीजिए तो सर 2 - 5 - 3 और सर 3 - 1 = 2, आइए सॉल्व करें इसको,
तो सर एलसीएम उलसीएम लेने से अच्छा है कैलकुलेटर का इस्तेमाल कीजिए और वैल्यू निकाल लीजिए। हम बोले ठीक बात, 13 डिवाइडेड बाय 4 3.25, और इसको डिवाइड कीजिए 14 डिवाइडेड बाय 5 2.8, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 2 1.5। तो सर ये तो इक्वल नहीं हो रहा, तो सर ये आंसर नहीं होगा। फिर बी में आ जाएंगे, एक्स इज इक्वल टू कितना बताइए सर, एक्स इज इक्वल टू 2 है, पुट कीजिए। तो सर 12 into 2 24 plus 1 25 divided by 4 is equal to 15 into 2 30 minus 1 29 divided by 5 plus 2 into 2 कितना हो जाएगा 4 4 minus 5 minus 1 6 minus 1 5। तो डिवाइड कीजिए 25 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा 6.25, 29 डिवाइडेड बाय 5 5.8, प्लस माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 0.2। सर ये भी इक्वल नहीं हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में आ जाइए, एक्स का वैल्यू कितना, एक्स का वैल्यू है 5। तो चलिए एक्स का वैल्यू पुट करें, तो सर 61 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 15 इंटू 4, कितना हो जाएगा 15 इंटू 5 75 माइनस 1 74 बाय 5, प्लस 10 माइनस 5 5 15 माइनस 1 14। आइए डिवाइड करें 61 डिवाइडेड बाय 4 15.25 74 डिवाइडेड बाय 5 14.8, प्लस 5 डिवाइडेड बाय 14 0.35 या 36 लिख लीजिए। क्या ये दोनों जोड़ के बराबर होगा, जवाब है नहीं। तो सर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9, एक्स डिवाइडेड बाय 0.5 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.05 प्लस एक्स डिवाइड बाय 0.005 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.0005 इज इक्वल टू 0। बोल रहा है बताओ एक्स का वैल्यू क्या। तो ऑप्शन नंबर ए कि सर एक्स का वैल्यू 0 पुट कीजिए। अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो सिर्फ ये और ये बचेगा। तो हम बोले सर ये दोनों नेगेटिव में है, तो नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव होता है, तो पक्का बात है ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। हम बोले ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, एक्स का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो एक्स का वैल्यू 1 पुट कीजिए। हम बोले चलो पुट देखे, 1 डिवाइडेड बाय 0.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.05 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0.005 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.0005। सॉल्व कीजिए, तो सर 1 डिवाइडेड बाय 0.5 ये कितना आएगा 2, 1 डिवाइडेड बाय 0.05 वैल्यू आएगा 20, 1 डिवाइडेड बाय 0.005 वैल्यू आएगा 200, और 1 डिवाइडेड बाय 0.0005 वैल्यू आएगा 2000। क्या ये 0 आएगा ना, तो सर ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आपको बराबर में 0 लाना है। ऑप्शन नंबर 3, एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, कि सर एक्स के बराबर 10 ले लीजिए। तो सॉल्व कीजिए, तो सर एक्स के जगह 10 लेंगे, तो 10 डिवाइडेड बाय 0.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.05 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 0.005 प्लस सॉरी माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.0005, इसका वैल्यू 20, इसका वैल्यू 20, 10 डिवाइडेड बाय 0.005 2000, और इसका वैल्यू भी कितना था 2000। तो सर ये तो 0 आ गया, तो ये है आंसर, क्योंकि सर RHS 0 था, मेरा भी LHS कितना आया, अगर हम लोग X का वैल्यू 10 ले ले तो हम लोग का LHS भी 0 आ जाएगा, तो दोनों इक्वल हो रहा है। आंसर क्या होगा, X इज इक्वल टू 10, लिखिए।